गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्त की मदद। इस कहानी में एक लोमड़ी है और एक कछुआ है। इसमें हम यह देखेंगे किस तरह से लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की कठिन समय में सहायता की। इसमें कुछ मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि बांध। बांध का मतलब होता है गुफा। गपशप, गपशप मीन्स बातें करना। सरपट, सरपट मीन्स तेज दौड़ना। धीमी, धीमी मीन्स धीरे धीरे। अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास बांध में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच। अब दूसरे पेज पे आइए, पेज नंबर 28। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मां से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने मां से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, बस थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लोमड़ी अपनी मां से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मां से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में।